पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। संशोधन, गुणवत्ता, सेवा के साथ हमारा लक्ष्य समृद्ध भारत। तो बनाना में, अगर उत्तर प्रदेश में हमें बनाना बनाना है, तो यहाँ की एनवायरमेंटल सिचुएशन अगर देखते हैं, तो इस एनवायरमेंटल सिचुएशन में बनाना अगर सही तरह से ग्रो किया जाए, तो आज लोगों के सामने दो दुविधाएं हैं। एक, किसी किसानों के सामने 14-14, 15-15 महीने की फसल होती है बनाना की, 14 महीने 15 महीने के पीछे नहीं होती है। लेकिन अगर बनाना फसल देखी जाए, तो एक्चुअली उनके फिजियोलॉजी के हिसाब से देखा जाए, तो 11.5-12 महीने कटनी चाहिए, ये फैक्ट है। अगर वो दिन आगे खींचती है 11.5-12-13 महीने, तो वो केला जो है, वो निकलने वाला जो केला है, उसकी उम्र ऑलरेडी ढल चुकी है, लेकिन वो इस एनवायरनमेंट की वजह से स्टैंड मोड में रहता है, यानी स्टैंडिंग मोड में, कुछ नहीं, कुछ ग्रोथ नहीं, जैसा है वैसा रहता है। और फिर उसकी उम्र जब 15-14, 15 महीने के पास कटती है, तो मैं ये बार बार बता रहा हूँ आपको कि आंध्रा से आने वाला केला 700, 800, 900, 1100, 1700, 1700 किलोमीटर हर दौर से, गुजरात के बाउंड्री से 700 से आता है, तो अगर हम आंध्रा पहुंचते तो 1700-1800 से केला आने वाला बिकता दिल्ली में, वही केला आज के भाव में भी 19 से 21 रुपए में है, और के वहाँ पे 19-21 मिल रहा है, यहाँ पे 9-10 से ऊपर पैसा नहीं मिल रहा है। इसका दो ही रीज़न है। जब हम व्यापारी से बात कर रहे थे, तो व्यापारी से में हमने बात की, तो वो बोलते हैं, क्योंकि हमने त्रिपाठी जी है बैठे है, हम उनको ही बोले कि सर, यहाँ के किसानों के लिए कुछ केला बेचने का भी चेन आप बनाइए, और वो राजी भी हो गए कि कुछ बनाते हैं, सभी को इकट्ठा करते हैं, जोड़ देते हैं, जितने व्यापारी हैं उनको किसानों से जोड़ते हैं, किसान है व्यापारी से जोड़ते हैं, तो मल्टीपल ऑप्शन उनके पास सामने खड़े हो जाए। तो इसी को देखने के बाद वो बोलते हैं कि इनका केला जो है, जो हमारे क्वालिटी में चाहिए, वो होता नहीं, हम जैसे इसको पकाते हैं तो दूसरे तीसरे दिन वो डंडे से टूट जाता है, और हमारा केला राइपनिंग होके बाजारों तक, थैलों तक पहुंच के वो बिकने तक हमारा 7 से 8 दिन का पीरियड है, इसमें ये केला खरा नहीं उतरता है, क्योंकि उसमें इसकी उम्र इधर खेतों में ओवर हो चुकी होती है, और जैसे हम इसको पकाते हैं वो डंडे से टूट जाता है। बस ये एक चीज़। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो केयरिंग है, केयरिंग कैसे कि जैसे कि केला जो है वो जिसमें जितने कम ढब्बे हो, वो केला साफ सुथरा हो, तो वो जल्दी बिकता है। साइज जो हो 9 से 11 इंच लंबाई हो, और वो हाफ राउंड वाला अगर केला हो, लाइट राउंड वाला अगर केला हो, तो वो केला जल्दी बिकता है। तो ये जो उनकी बेसिक डिमांड है, वो यहाँ पे अभी भी अपने प्रैक्टिसेस में नहीं है। यहाँ पे बेसिक प्रैक्टिसेस क्या है कि हमारे यहाँ पकाने के चक्कर में ही हम अभी भी पीस रहे हैं, यानी हमारे बेसिक पकाने की जो चक्कर है, वो चक्कर से ही हम बाहर नहीं निकल पा रहे, तो और भी बाकी वाले जो ऑप्शन है वो काफ़ी दूर हो जा रहे हैं, समझ रहे ना। तो पकाने के चक्कर में जैसे सर ने अपना मैंगो जो है उस लेवल तक वो रेट ले पाए, इसका रीज़न ये था कि दो चीज़ें मार्केट में बिकती है, एक होती है क्वांटिटी और दूसरी होती है क्वालिटी, और क्वालिटी एक जगह पे है और क्वांटिटी एक जगह पे है, दोनों चीज़ें नहीं बिकती। क्वालिटी और क्वांटिटी इकट्ठा आते हैं जहाँ जहाँ भी, वहीं पे बाजार होता है, व्यापार होता है, वहाँ पे ही ऊंचे दाम मिलते हैं, रीजनेबल दाम मिलते हैं, क्योंकि व्यापारी के लिए दो चीज़ें जरूरी होती है, खाली क्वालिटी भी नहीं चाहिए, खाली क्वांटिटी भी नहीं चाहिए, दोनों एक साथ चाहिए, तो उसका गाड़ी भी भर जाता है, दूर का बाजार भी मिलता है, दूर के बाजार में वो भेज भी सकता है, और बड़े बड़े व्यापारियों को उनका ऑप्शन मिल भी सकता है। तो ये अभी भी स्थिति यहाँ पे बनी नहीं है, अभी धीरे 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 वो स्थिति बनती जा रही है। तो आज हमारे सामने केला यहाँ पकाना है, तो 7 चीज़ों का जरूरत है। पहली चीज़ है कि जो चेंज करने की आवश्यकता है, जो केला है ट्यूबरी क्रॉप है, कंद वाली फसल है, ये कंद वाली फसल होने की वजह से इसके बॉडी के, शरीर के अंग को समझने की हमें आवश्यकता है। इसके शरीर के अंग को हम अगर समझे, तो समझ में आता है कि इसका ट्यूबर जो है वो पानी के संपर्क में जब आता है, ठेठ पानी के संपर्क में, तो इसके बॉडी के ऊपर जो ट्यूबर के ऊपर एक चार्ज होता है, जो आपको पता होना चाहिए, वो चार्ज होता है बेस, अल्कली चार्ज होता है, और यही चार्ज वो प्रदान करता है जड़ों को। और अगर उसके जो ट्यूबर है इसको पानी टच कर लेता है, पानी अगर टच कर लेता है, तो इसका चार्ज न्यूट्रल होता है, चार्ज काम नहीं करता, और वो क्योंकि पानी की कंडक्टिविटी जमीन से जब जुड़ती है, तो पानी से जितने दूर तक ये चार्ज जाता है, तो जो जितने कॉन्सेंट्रेशन में वो चार्ज बना हुआ है ये जो गांठ के ऊपर, वो चार्ज टूट जाता है और कम चार्ज रहता है, और कम चार्ज रहने से जो जड़े है, वो जड़े जो है वो रिचार्ज नहीं होती। जड़े रिचार्ज होना, ये बात आपको शायद सुनी होगी, नहीं सुनी होगी मुझे पता नहीं है, लेकिन जड़े रिचार्ज होना यानी क्या होगा, हर जड़ों के ऊपर जो बेस चार्ज होता है, ये बेस चार्ज क्या करता है, जो खाद है सॉइल के अंदर, मिनरल्स है, जो मिनरल फॉर्म में खाद है, इस मिनरल के ऊपर के जो नेचुरल चार्ज है उनको न्यूट्रल करते हैं, वहाँ के जो मेन जो खाद है जिस फॉर्म में जो है
जो जैसे जिंक ZnSO4 है, जिंक सल्फेट है, तो उसका जो सल्फेट है उस सल्फेट को ये जो बेस चार्ज है ये एसिड वाले चार्ज को निकाल के फेंकता है यानी न्यूट्रल करता है और वहां से जिंक उठा के एज अ सेमी सॉलिड मेटल फॉर्म में वो प्लांट में बॉडी में ले जाता है। तो ये चार्ज अगर नहीं रहा तो जड़ों का विकास सही से नहीं होगा और जड़ों का विकास नहीं हुआ तो प्लांट की जो न्यूट्रिशन अपटेक चेन है जैसे झाइलोम और फ्लोएम यानी दो एक पार्ट होते हैं जड़ों के अंदर ही, एक से पानी लिया जाता है और एक से खाद लिया जाता है, ये दोनों चीज़ें अपनी जगह पे काम नहीं करती है क्योंकि उसको जिस फॉर्म में खाद चाहिए उस फॉर्म में उसको वो खाद नहीं मिलता है। तो ये फॉर्म कौन बनाता है? अभी एसिड बनाने के लिए भी हम भी प्रयास कर रहे हैं, खाद जो है एसिड बनाने का प्रयास भी हमारा ही है और फिर प्लांट क्या करता है एसिड से फिर उसको न्यूट्रल करके एज अ जो मेन फॉर्म है उसका जिंक ZN उसी फॉर्म में प्लांट को उठाना भी है। तो हम क्यों ना डायरेक्ट जिंक फॉर्म में दे, तो जिंक फॉर्म अगर देखा जाए तो वो इनसोल्यूबल है, वो मेटल फॉर्म है। ऐसे हर एक के बेसिक अगर देखे जाए तो किसी के मेटल फॉर्म है तो किसी के सॉलिड फॉर्म है, तो इसकी वजह से प्लांट उसको उठा नहीं सकता है, उसको लेके बॉडी में ले जा नहीं सकता है। तो उसको ले जाने के फॉर्म में अगर लाना है तो उसके पहले उसको क्या करना पड़ता है, सोल्यूबलाइज करना पड़ता है, इसको घोलने की स्थिति में लाना पड़ता है और घोलने की स्थिति में लाने के लिए कुछ कुछ प्लांट खाद को हम क्या करते हैं बेस देते हैं, बेस चार्ज देते हैं और कुछ कुछ खाद को हम एसिड फॉर्म देते हैं, कुछ कुछ फॉर्म को हम क्या खाद को क्या करते हैं बेस फॉर्म देते हैं और कुछ कुछ खाद को हम एसिड फॉर्म देते हैं और उनको सोल्यूबल करते हैं। जैसे कि पोटेशियम है तो पोटेशियम को बेस फॉर्म देके उसको सोल्यूबल किया जाता है और कुछ पोटेशियम के फॉर्म को हम सल्फेट के कॉन्सेंट्रेट फॉर्म देते हैं SO4 देते हैं और उसको सल्फेट ऑफ पोटेश या पोटेशियम सल्फेट देते हैं बनाते हैं। ऐसे फॉर्म जो है हमें ठीक है समझ में आए ठीक है, नहीं समझ में आए तो भी ठीक है, किस लिए चाहिए ये मैं बता रहा हूँ इसलिए कि अगर ये फॉर्म आगे हमारे समझ में आए तो खेती में कौन सा खाद क्यों और कितना ये पिक्चर क्लियर हो जाती है। जैसे कि कुछ कुछ हमारे भी बोलते हैं कि हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अलावा खेती करनी नहीं चाहिए, बात उनकी जगह पे वो सही है क्योंकि ऑर्गेनिक फॉर्म में प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उस फॉर्म में जब चाहिए उस वक्त में जितना चाहिए उतना नहीं मिलता है। अभी ये बात सही है, जितना चाहिए नहीं मिलता है लेकिन जो फॉर्म में जिस वक्त में वो फॉर्म मिलता है तो लिमिटेड प्रोडक्शन आएगा क्योंकि उनको जितना चाहिए इतना नहीं मिलता है तो आपको हायर प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन मिनिमम फॉर्म में जब चाहिए तब मिलता है और जिस फॉर्म में चाहिए तब मिलता है तो वो आपको जो भी प्रोडक्शन देगा वो क्वालिटी प्रोडक्शन देगा, लेकिन क्वालिटी से आपकी क्वांटिटी मेल नहीं खाती है तब जाके वहाँ पे साइंस रुक जाता है कि भाई नहीं यहाँ पे हम क्वांटिटी भी चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए तो दोनों को एक साथ लेके जाना है। तो फिर हम उसको बेस में और बायोलॉजिकल फार्मिंग में जाते हैं, थोड़ा बायोलॉजिकल सपोर्ट लेते हैं, फिर बायोलॉजिकल का सपोर्ट लेने के बाद हमें समझ में आता है कि कन्वर्जन फैक्टर इजी हो गया। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया कुछ फंगस इन दोनों के एसोसिएशन से सॉइल के अंदर राइजोस्पियर स्ट्रक्चर बनता है जड़ों के अगल बगल में, और ये राइजोस्पियर स्ट्रक्चर क्या है, कुछ बुरशिया यानी फंगस को क्या बोलते हैं आपकी भाषा में इधर फफूंद, कुछ अच्छे फफूंद और कुछ अच्छे बैक्टीरिया दोनों एक साथ मिल के जड़ों के अगल बगल में एक नेटवर्क बनाते हैं। आपको देखा होगा कि आप जब जमीन में खेड़काड़ करते हैं या जुताई करते हैं तो ढेपों में एक व्हाइट कलर के धागे दिखते हैं, ये जो होता है ये होता है राइजोस्पियर का नेटवर्क यानी स्ट्रक्चर। और ये राइजोस्पियर का स्ट्रक्चर जो है ये करता क्या है कि अगल बगल के एरिया में जहाँ तक मॉइस्चर है उस मॉइस्चर की स्थिति में वहाँ के जो भी मिनरल्स पड़े हैं जो आपने खाद डाले हैं ये जो खाद है इन खादों को ट्रांसपोर्ट करने का यानी मोबिलाइज करने का काम करते हैं। जैसे कि एक जगह पे जड़ है और दूसरी जगह पे खाद गिरा है तो इसको दोनों को एक साथ लाने का यानी कनेक्ट करने का काम ये राइजोस्पियर करता है। तो ये राइजोस्पियर का जो काम है ये बेहतरीन हो इसके लिए कौन चाहिए, तो बायोफर्टिलाइजर चाहिए, बायोमास चाहिए। अगर वो बायोमास जमीन में नहीं होगा तो जो राइजोस्पियर है उसका स्ट्रक्चर ग्रो नहीं हो पाएगा, दूर तक नहीं फैलेगा। तो बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक ये दोनों एक जमीन में अगर आए तो जमीन के एक बेसिक भौतिक स्ट्रक्चर जो है वो पूरी हो जाती है। जैसे भौतिक फर्टाइल जमीन हमको जिसको बोलते हैं कि फर्टाइल जमीन उपजाऊ स्थिति, उसमें होता क्या है मिनिमम 45% उसमें खनिज द्रव होते हैं, खनिज यानी मिनरल्स होते हैं, 5% मिनिमम उसमें सेंद्रिय पदार्थ यानी बायोमास होना चाहिए और 25% हवा और 25% पानी। ये जब आइडियल कंडीशन बनती है तो ही प्लांट खाना ले पाता है, अगर ये आइडियल कंडीशन नहीं बनी तो प्लांट खाना नहीं ले पाता है।
पानी ज्यादा हुआ जमीन में तो भी प्लांट को खाना नहीं मिलता है या ले नहीं पाता है, ये स्ट्रक्चर पूरा ठप हो जाता है। पानी कम हुआ तो भी ये नहीं ले पाता है, हवा ज्यादा हुई तो भी नहीं ले पाता है, हवा कम हुई तो भी नहीं ले पाता है। तो ये स्थिति बार बार बनानी है। मैं ये सब किस लिए बता रहा हूं कि यहां पे जो केला बन रहा है, इधर में जो केला बन रहा है, ये स्थिति बनाने के हेतु से नहीं बन रहा है। दो लोगों के सामने दो बड़े सवाल है। एक है कि यहाँ पे जो घास है, जो कचरा है, यानी आप जो जिसको खरपतवार बोलते हैं, वो खरपतवार काफी ज्यादा है। और ये खरपतवार के चक्कर में किसान क्या करते हैं, फसल को तब तक खेड़ते रहते हैं जब तक फसल की छाव ना आए, क्योंकि उनको वो ज्यादा उसमें लागत लगती है, यानी खर्चा ज्यादा लगता है। और एक बार निंदाई करनी, गुड़ाई करनी है तो आपको कम से कम नहीं बोल के 6 से 7 हज़ार रुपये का आराम से खर्चा लग जाता है। तो किसान सोचते हैं कि 4-4, 5-5 बार अगर गुड़ाई करते रहे तो हमें इतना बड़ा खर्चा आएगा कि फिर केला खेती हमें अफोर्ड नहीं होगी या परवड़ेगी नहीं। तो इसके सामने हम क्या करें, उसको खेड़ते रहे, ऊपरी ऊपरी परत को खेड़ते रहे बार बार। अगर हम खेड़ते रहे तो ये कचरे का जो घास का है वो कंट्रोल कर सकते हैं, और ये कंट्रोल में आ गया तो हमारा 20-25 हज़ार जो खर्चा मजदूरों पे जाने वाला था या समय पे मजदूर मिलने वाले थे, नहीं मिले तो हमारा जो नुकसान होने वाला था वो नुकसान हमारा रुक सकता है। तो इसके लिए करना क्या है, इस स्थिति में अगर हम बोलते हैं कि बनाना में सक्सेस होना है तो 7 चीज़ें जरूरी है। उसकी पहली चीज़ मैंने इतना सारा इसीलिए बताया कि ये जो आइडियल कंडीशन जो मैंने बताई, हवा 25%, पानी 25%, सेंद्रिय पदार्थ जो मिनिमम ऑर्गेनिक बायोमास है वो 5%, और बाकी बची मिट्टी जो मिनरल्स की बनी हुई है वो आपकी 45%। तो ये सारी स्थिति आप यार पूरे खेत में हम नहीं बना सकते, तो इसको हमारे फसल के ग्रोथ के जो सर्कल है, यानी केला जो केले में जो जड़े हैं वो खाना कितने दायरे से उठाती है, तो 18 इंच से ज़्यादा उठाती है। इसलिए ड्रिप और टेक्नोलॉजी ने क्या बताया है कि आपको मैक्सिमम ड्रिप जो रखनी है वो थर्ड से, यानी जो स्टेम है उससे आप 6 इंच दूर और 18 इंच के अंदर, ये दोनों के बीच में रखिए। 6 इंच में रखी तो 6 इंच वहाँ तक पानी जाएगा बाहर तक, और 6 इंच अंदर तक आएगा तो जो गांठ है उसको थेट, जो कंद है, ट्यूबर है, उसको डायरेक्ट पानी टच नहीं कर पाएगा। मॉइस्चर जाएगा तो चलेगा, लेकिन डायरेक्ट टच करेगा तो चार्ज कम होंगे, और अगर पानी नहीं, मॉइस्चर जनरेट नहीं हुआ तो खाना नहीं मिलेगा। तो दोनों को हमें लेना है, तो 6 इंच दूर पे हमें रखना है। कई जगह पे हमने देखा कि जड़े जो किसान है वो ड्रिप अगर लगाई है तो डायरेक्ट वो थड़ के बगल में ही रख देते हैं, तो थड़ के यानी डायरेक्ट घिस के रखते हैं, यानी बगल में ही रखते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे काफ़ी किसानों के पास ड्रिप नहीं है, यानी सभी लगभग देखा जाए तो 1-2% लोगों के पास है, नहीं तो किसी के पास नहीं है। तो अभी हमें ये बिना जो ड्रिप वाला खेत है इसमें भी हमें 7 जो बेसिक चीज़ें बनाना सक्सेस करने के लिए, उसकी पहली बेसिक चीज़ ये है कि बेड़ के अलावा खेती ना करें। काफ़ी समय से साइंस बोल रहा है कि बेड़ पे करना चाहिए, बेड़ पे करना चाहिए, आज भी किसान लोग जो है बेड़ तक नहीं पहुंच पा रहे। अभी बेड़ पे क्यों नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि हमारे खेड़काड़ बंद हो जाती है, हम खेड़ नहीं कर पाते। पहला हमने किसानों से बात की तो बोलते कि नहीं बेड़ बनाया तो हम खेड़ नहीं कर पाएंगे, और खेड़ नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास इतनी घास है कि वो घास निकालते निकालते हमारा 20-25 हज़ार रुपये आराम से निकल जाता है, और इतना हम अफोर्ड नहीं कर पाते केला खेती में, क्योंकि उससे जो मिलने वाला मुनाफा है वो मुनाफा के सामने 25 हज़ार बड़ी अमाउंट है। तो हमने ये प्रयास किया है कि भले आप बेड़ बनाओ, लेकिन बेड़ के साथ साथ उसको खेड़ भी आपको करनी ना पड़े, क्योंकि खेड़ करना भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसके बनाने में मैं आगे बताऊंगा, ये जो बेड़ है, ये बेड़ अगर सही साइज का बेड़ आपका रहा, ये सही साइज का रहा, तो ये बेड़ आपको खेड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं देता है। वो साइज क्या है, तो हमारे यहां बेड़ माने, बेड़ किसको बोलते हैं कि जो सोने की जगह होती है उसको हम बेड़ बोलते हैं। किसको बेड़ बोलते हैं, सोने की जगह पे बेड़ बोलते हैं। अगर सोने की जगह को अगर हम बेड़ बोलते हैं तो हम बेड़ को भी हमें समझना है। यहां पे होता क्या डॉक्टर साहब कि हम बेड़ बोलते हैं तो बेड़ ऐसा करते हैं जो आपके भाषा में मेड़ बोला जाता है, हाँ मेड़ बोलते हैं ना, या मेड़ बोलते हैं ना, जो मेड़ है वो मेड़ को बेड़ नहीं बोला जाता। बेड़ होता है उसका सरफेस जो है, टॉप सरफेस जो है फ्लैट होना चाहिए। तो बनाना अगर आइडियल कंडीशन में आपको पकानी है तो बेड़ कैसा होना चाहिए, तो बेड़ जो है 27 इंच चौड़ा होना चाहिए। तो ये साइज है, हमने घूम के देखा कि सभी के पास में बेड़ है लेकिन फिर इतना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 2 प्रकार की जड़े है बनाना में। एक जड़े होती है जो रनर रूट्स, ऐसे तो 3 प्रकार की आती है, एक रनर रूट्स आती है, एक फीडर रूट आती है, दूसरी सरफेस रूट भी आती है। ये
नाम अंग्रेजी छोड़ दीजिए, समझना यही बात है। फीडर रूट यानी खाना लेने वाली जड़ें, दूसरी रनर रूट्स यानी सपोर्ट देने वाली, जो सपोर्टिव रूट्स के नाम से जानी जाती है, कि जो पूरी बॉडी कितना भी ऊंचा केला जाए तो उसको खड़ा रखने का काम करती है, स्ट्रेट रखने का काम करती है, उसको गिरने नहीं देती है। तो ये जड़ें जमीन के सरफेस से 6 इंच दायरे से गुजरते 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 11 इंच तक जमीन में उतरती है, और सरफेस से जो पैरेलल 6 इंच जमीन के नीचे से वो बगल में 9 से 11 फीट तक दूर जाती है। इसको बोलते हैं कि रनर रूट से यानी सपोर्ट देने वाली जड़े। दूसरी जो जड़ है वो फीडर रूट, फीडर रूट जो खाना लेती है, बार बार खाना लेती है, इसका दायरा जो है सीमित रहता है 18 इंच तक, यानी 1.5 फीट के दायरे में। ये कितना रहती है? 1.5 फीट के दायरे में। ये 1.5 फीट से बाहर नहीं जाएगी, वो उतने ही दायरे में खाद और पानी लेगी। इसलिए ड्रिप की डिजाइन भी देखी जाए तो जो फीडर रूट की डिजाइन होती है हर फसल की, उसी डिजाइन में उसकी डिजाइन की जाती है। जैसे मैंगो है, अभी मैंगो की फीडर रूट मिनिमम शुरू होती है 7.2 फीट से। अगर 7 फीट 2 इंच से 5 साल का उम्र का अगर मैंगो हुआ तो आपको मिनिमम पानी और खाद देना है, तो रिंग बना के 7 फीट के दायरे में रिंग बना के आपको देनी है, तो वो जाके आपके फीडर सिस्टम में आ जाती है और काम में आ जाती है। आपने गलती से उसको थड़ के बगल में दिया, स्टेम के बगल में दिया, तो वो कुछ काम का नहीं है, क्योंकि उसकी चेन शुरू जो हुई है उस दायरे में ही वो खाना पानी लेती है, उसी दायरे में हमें देना है। इसलिए बेड़ के अलावा केला ना किया जाए तो क्या क्या फायदे होते हैं और नुकसान हम क्या क्या कम कर सकते हैं। तो बेड़ अब अगर लगाते हैं तो ठंडी से बच सकते हैं, बारिश से बच सकते हैं, और हर बार जो पानी दे रहे हैं इस पानी के बाद जो मॉइस्चर की कंडीशन आने का जो समय है वो उसको हम कम कर सकते हैं। और ये कम तीनों चीज़ें अगर हमारी कम हुई तो हमारी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ कम समय में अच्छी होती है, नेचुरल होती है, और नॉर्मली वो ग्रोथ सही से करता है। और 14 महीने की जो फसल है हमारी, 15 महीने 14 महीने जो लेने वाली फसल है, वो फसल हमारी धीरे 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 समय कटते 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 वो समय क्या हो जाता है, 11-12 महीने तक आ जाता है। ये क्या हो जाता है? 11-12 महीने तक अंदर आ जाता है। ये 11-12 महीने तक क्यों अंदर आया? क्योंकि हमने उसको 365 दिन जब हम उसको दे रहे हैं 12 महीने, तो उसमें से पानी जब देते हैं हर 15-10 दिन में पानी देते हैं, तो पानी का जब तक निकाल होके मॉइस्चर कंडीशन नहीं आएगी तब तक हमारे 4 से 5 दिन निकल जाते हैं। तो हर पानी के बाद 5-5 दिन तक जो फसल है हमारी, बनाना फसल है, उसकी ग्रोथ रुक रुक के चलती है। कितने दिन? हर पानी के बाद 5-5 दिन वो क्या करता है, अपनी ग्रोथ को रिटायर करता है। क्यों रिटायर करता है? क्योंकि जब तक वो उसके अंदर का ज्यादा का पानी कम नहीं होगा तब तक उसका खाना लेने की प्रक्रिया नहीं शुरू होगी, तब तक वो ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए जब ये पानी हम देते हैं तो फसल ग्रो नहीं करती है। जब पानी दे के 4 दिन 5 दिन होते हैं तब जाके फसल ग्रो करती है। उसका रीजन है कि वो मॉइस्चर कंडीशन बन जाती है। तो बेड़ में फायदा क्या है कि मॉइस्चर कंडीशन मेंटेन कर सकते हैं, 365 दिन उसको वराब आपके भाषा में उसको मॉइस्चर ही बोलते हैं ना, मॉइस्चर की कंडीशन है, तो मॉइस्चर की कंडीशन अच्छे से बन जा सकती है। दूसरा फायदा क्या है कि ठंडी, ये हो गया 365 दिन ग्रोथ की बात। ठंडी से कैसे बच सकते हैं? जब ठंडी का मौसम आता है, जैसे अभी आ रहा है, तो ठंडी शुरू के दौर में छोटी लहरों से शुरू होती है। छोटी लहर यानी 32 घंटे 37 घंटे की एक लहर आएगी, फिर एक गैप आएगा, फिर वो लहर बढ़ते बढ़ते 4 दिन यानी 72 घंटे में चलेगी, वो फिर 2-3 दिन का गैप आएगा, फिर वो लहर बढ़ेगी, फिर वो लहर 7 दिन की बनेगी, फिर वो लहर 11 दिन की बनेगी। जो हमारा आज तक का मापन हुआ है तो 11 दिन की सबसे बड़ी लहर भारत में आज तक पाई गई है। 11 दिन के ज़्यादा लहर पाई नहीं गई, वो टूटेगी, फिर कुछ घंटे के लिए टूटे या एक दिन के लिए टूटे, टूटेगी फिर वो स्टार्ट करेगी, फिर चढ़ते क्रम से वो स्टार्ट करेगी। तो इसके दरम्यान में अगर हमारे पास बेड है, हमारे पास क्या है, बेड है, तो पर्याप्त तो जो दोपहर की जो धूप आती है, भले 2 घंटे की आए 3 घंटे के लिए आए, तो ये पर्याप्त धूप से जो हवा के ऊपर जो लाइट लोड हुई यानी हवा जो गर्म हुई, ये गर्म हुई हवा जो है ये बेड के ऊपरी हिस्से में, निचले हिस्से में कभी नहीं जाती है, गर्म चीज सीधा ऊपर आती है। तो जो सरफेस पे जितनी गर्म हवा बनी वो आके कहाँ पे लोड हो जाती है, बेड में लोड हो जाती है। और जब ठंडी आती है शाम को तो ये ठंडी आने के बावजूद भी सारी जमीन ठंडी करेगी, लेकिन बेड़ ठंडा गिरते गिरते फिर दोपहर की दूसरे दिन की सुबह आ जाती है। तो जमीन के अंदर की जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ है, जो जीवात और फंगस, बैक्टीरिया और फंगस बनने की जो स्थिति है वो रुकती नहीं, क्योंकि वो कब तक काम करती है, जब तक टेम्परेचर, नॉर्मली टेम्परेचर 28 है,
28 से अंदर आएगी तो उसकी जो ग्रोथ है एक्सेस ग्रोथ रुक जाएगी, और 22 के अंदर अगर आ गई तो उसकी नॉर्मल ग्रोथ चलेगी, वो सस्पेक्ट मोड में चलना चालू हो जाएगा, यानी वो डॉर्मेंसी में जलने चालू हो जाएंगे। फिर अगर बैक्टीरिया और फंगस ही जमीन में नहीं काम करे तो खाद नहीं आएगा, क्योंकि राइजोस्पियर सस्पेक्ट हो जाएगा, और राइजोस्पियर सस्पेक्ट हो गया तो फिर फसल को अनाज जो मिलना चाहिए जिस फॉर्म में जिस वक्त में जितना चाहिए वो मिलने की जो चेन है वो कम हो जाती है, टूट जाती है, काफ़ी धीमी हो जाती है। और फिर ठंडी में देखा जाएगा तो आपने देखा होगा कि जैसे फसल ठंडी में गई ठंडी के बाद में उतनी ही मिलती है, उसमें ज़्यादा कोई ग्रोथ नहीं मिलती। बात सही है कि गलत है? ये फैक्ट है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बेड़ करना है, बेड़ के अलावा नहीं करना है। तो कुछ कुछ किसानों के समझ दिमाग में आता है कि बेड़ करेंगे तो हमारी गिरपड़ ज़्यादा होती है। क्या हो जाती है? गिरपड़ ज़्यादा होती है। गिरपड़ यानी जमीन से उचक के ज़्यादा गिरता है। ऐसा असल में नहीं होता है, क्योंकि हमारी बेड़ अगर गलत होती है तो देखिए एक इंच अगर जड़ बगल में बढ़ती है, ग्रो करती है एक इंच, तो बराबर एक इंच यानी 27 mm मानते हैं, ऐसे एक इंच नहीं होता है, 25 mm का एक इंच होता है, 27 mm अगर जड़ ऐसे टेढ़ी पैरेलल बढ़ी तो उसको बराबर 14 mm उसको नीचे खींचा जाता है, ग्रेविटी उसको नीचे खींचती है, इसलिए जड़ ऐसे ऐसे करते जाती है यानी पैरेलली ऐसे जाती है, क्योंकि उसकी सॉइल की ग्रेविटी उसको क्या कर रही है, नीचे खींच रही है। अगर ये नीचे रही तो खाना पानी ले सकती है, और वो नीचे तब तक रहती है जब तक जमीन में हवा है, हवा सब सारी जमीन से हवा निकल गई तो नीचे नहीं रहेगी, क्योंकि पानी में ग्रेविटी रिवर्स है, पानी में ग्रेविटी सरफेस पे होती है, उल्टी आती है। जो फैब्रिक वाली कोई भी चीज़ अगर पानी में दबाई जाए तो ऊपर फेंकी जाती है। इसकी वजह से जब खेतों में पानी भरता है, जब जब हम पानी पिलाते हैं तो जमीन में जब पानी भरता है तो हवा बाहर आ जाती है, और पानी अंदर जाने से हवा जब बाहर आती है तो ग्रेविटी जो पानी की जो ग्रेविटी है वो जो फैब्रिक से बनी हुई जो जड़ें हैं उनको उठा के सरफेस पे फेंक देती है, और सरफेस पे फेंकने से फिर क्या होता है, खाना पानी से निकल गया नीचे, खाना घुल के कहाँ गया नीचे, और जड़ों को ढकेला कहाँ पे, ऊपर। तो आप देखते हैं तो बारिश में देखते हैं तो जड़ें सभी फसलों की जड़ें क्या हो जाती है, खुल जाती है, ऊपर 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 दिखती है। क्यों दिखी? क्योंकि जमीन में पानी भर गया। अभी जमीन में पानी भरा तो हवा निकल गई, हवा नहीं तो ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटी नहीं तो पानी अंदर, जड़ों को कोई सर्वाइवनेस नहीं है यानी रहने के लिए जगह नहीं, तो वो बाहर आ गई। अभी खाना गया नीचे पानी के साथ घुल के, और जड़ें आई ऊपर, तो फिर उसको रीट्रैवल करके कहाँ तक जाना पड़ता है, जड़ों तक जाना पड़ता है। ये जो दिक्कतें बार बार हर पानी में जो चलती है फ्लड की सिस्टम में बार बार, इसकी वजह से हमारा कम से कम केले में, हमने दोनों में ट्रायल किया है, उसके डॉक्यूमेंट है हमारे पास, दोनों में ट्रायल किया तो फसल 2.5 महीने से ज़्यादा लेट हो जाती है। 2.5 महीना यानी कुल मिला के आज के डेट में गिन के चलिए, आज के डेट में तो 60 दिन का 2 महीना है, तो 40-45 दिन आपकी फसल यहाँ पे पानी पिलाने के चक्कर में लेट हो जाती है। तो हमारी जो आज 15 महीने में फसल पक रही है वो फसल घेट के आराम से नीचे आ सकती है, आराम से कम की जा सकती है। क्यों की जा सकती है? कि उसका जो रीट्रैवल टाइम है वो हमने काट दिया। वो किससे काट सकते हैं? तो हम बेड़ से ही काट सकते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। बेड़ है, दूसरा विकल्प है ड्रिप। अभी ड्रिप यहाँ लगाना प्रैक्टिकली पॉसिबल है कई जगह पे नहीं है, तो किसान आने वाले समय में धीरे धीरे करेंगे। हम आशा रखते हैं कि वो ड्रिप में आए तो और बेहतर 100% कंट्रोल्ड फार्मिंग कर सकते हैं ड्रिप में आने से। अगर आज जो कर रहे हैं हम, बेड भी ले रहे हैं और फ्लड का भी पानी दे रहे हैं, इसमें आप 50-60% कंट्रोल ले सकते हैं, 100% कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं रहता है। क्योंकि फ्लड का पानी देना है तो 10 दिन में एक बार देते हैं, और 10 दिन में एक बार अगर हम फ्लड का पानी देते हैं तो 10 दिन तक पानी होल्ड करना है तो उतने सरफेस को हम भिगा के रखते हैं। और अगर हम हर दिन पानी देना चाहते हैं तो ड्रिप से हम कुछ इंच के दायरे में ही पानी दे के और अगले दिन नया पानी दे सकते हैं। तो इसकी वजह से पूरा कंट्रोल हमारे पास ड्रिप से आता है, जो ड्रिप फ्लड से हमारे पास नहीं आता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि अभी फ्लड पे ही बात करते हैं, ड्रिप हमारे यहाँ है नहीं। तो ड्रिप करना है तो बेड करना है, तो कैसे बेड किया जाए? सभी को बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, फिर एक बार रिपीट करता हूँ। बेड जो होते हैं सोने की जगह है तो वो चौड़ा होना चाहिए। तो वो चौड़ा क्यों चाहिए? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 27 mm अगर एक जड़ बगल में बढ़ती है तो उसको 14 mm नीचे खींचा जाता है, ये ग्रेविटी का जो बेसिक फोर्स है उससे नीचे खींचा जाता है। तो इससे नीचे खींचने की वजह से अगर बेड आपने बनाया और ये बेड अगर
27 इंच चौड़ा है तो उसको दोनों जगह दोनों बगल में जड़ों को ग्रो करने के लिए जो 13-13 इंच जो जमीन मिलती है, जो दायरा मिलता है, ये 13-13 इंच के दायरे में जब ये 13 इंच बगल में बढ़ते हैं तो हर एक इंच में आधा आधा इंच करते 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 वो कितना इंच नीचे जाती है जड़ें, 8 इंच के दायरे में नीचे उतर जाती है। और ये 8 इंच के दायरे में जब नीचे चली जाती है तो अपना बेड खत्म हो जाता है और वो जो जड़ है, वो जड़ जो है मिट्टी से मिट्टी में पास हो जाती है। अन्यथा हमारा जो बड़ यानी हमारा जो हम जो बेड बनाते हैं, मेड बोलते हैं, ये मेड टाइप अगर हमने बेड बनाया तो उसका जो दायरा है पिरामिड जैसा उसका डिजाइन रहता है और उस पर अगर जड़ 2-3 इंच जमीन नीचे जाएंगी, 2-4 इंच बगल में जाएगी तब तक बेड खत्म हो जाता है। तो जड़ें जो है हवा में नहीं चलेगी, वो हवा से जैसे ही संपर्क में आएगी तो वहाँ पे वो रिटायर्ड हो जाती है, वहाँ पे उसको नोक आ जाता है और वो जड़ सस्पेक्ट हो जाती है, काम करना बंद कर देती है। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी जड़ें जो है बनाना की वो बाहर आके बेड से बाहर ऐसे टोक 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 निकाल के वहाँ पे काले 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 एंड आते हैं और वहाँ पे रिटायर्ड हो जाती है। वो ये जो रिटायर्ड होती है ये रिटायर्ड होनी नहीं चाहिए, तो अपने लिए बेड की डिज़ाइन प्रॉपर होनी चाहिए। ब्रेड अगर सही डिज़ाइन का हो तो ये रिटायर्ड नहीं हो सकती, वो जमीन से जैसे 13 इंच बगल में बढ़ते बढ़ते से वो पास होके आगे बढ़ सकती है, तो उसका काम जो कार्य है उसका काम है वो रुकता नहीं है। इसलिए बेड का डिज़ाइन सही होना भी अनिवार्य है। यहाँ पे बेड अभी भी किसानों को, काफ़ी सारे किसानों को हमने देखा पिछले साल से भी पीछे पड़े हैं, लेकिन बेड बनाते फिर फोटो भेजते हैं तो फिर समझ में आता है कि बेड अभी भी उनके समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अभी कुछ किसान कुछ वीडियो देख के, कुछ चीज़ें देख के इंस्ट्रूमेंट चेंज करके अपने अपने बेड बना रहे हैं और उसमें अभी उसको मज़ा भी आ रही है और लोग संतुष्ट भी है। तो बेड बनाना है तो दूसरी और एक चीज़ ध्यान रखनी है, बेड माने तो हमारे पास जो बेड है, जो हमारे पास बेड है तो बेड मानते हैं तो कम से कम 9-10-11-12-12 इंच का बेड बनाते हैं, इससे नीचे बेड हमारे समझ में नहीं आता है। तो इसमें दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, हमारी जो ज़मीन है यहाँ पे, हमारे ज़मीन में यहाँ पे रेती के कणों का प्रमाण ज़्यादा है। यहाँ की बात करें ऐसे ही साउथ की तरफ हम जाते हैं तो मिडल साउथ और मिडल इंडिया में अगर देखा जाए तो काली चिकनी मिट्टी ज़्यादा है, तो वहाँ पे बेड की हाइट हम 11-12-12 इंच तक ऊंचे करते हैं जानबूझ के, क्योंकि वहाँ की मिट्टी पानी को पकड़ के रखती है, एक दफा पकड़ा तो 15-15-20-20 दिन तो वो पानी को छोड़ती नहीं। लेकिन हम जब एकदम साउथ में जाते हैं और डायरेक्ट ऊपर नॉर्थ में आते हैं तो दोनों तरफ जो मिट्टी दिखती है ये मिट्टी जो है इसमें रेती के पार्टिकल जो है वो ज़्यादा है, इसकी वजह से वो पानी ज़्यादा पकड़ के नहीं रखती है, लेकिन वो भरा भी नहीं चाहिए, तो इसके लिए बेड की हाइट भी उतनी ही चाहिए जो इसको सूटेबल है। तो ये बेड की हाइट क्या होनी चाहिए, तो ये बेड की हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच से ऊंचा बेड नहीं चाहिए, तो इतना ही। हम काफ़ी किसानों को देखते हैं तो ये ज़मीन पानी नहीं पकड़ती, और अगर 10-11 इंच का बेड आपने बनाया तो फिर पानी मिनिमम जितना पानी की ज़रूरत है, कम से कम जितनी, वो भी पानी फसलों को नहीं मिलेगी, जड़ों के कक्षा में नहीं मिलेगा, तो उसका साइड इफेक्ट आएगा, एडवर्स इफेक्ट आएगा, साइड इफेक्ट ज़्यादा होंगे, वो नहीं करना है। तो बेड 27 इंच चौड़ा और 6 इंच इतना ही हाइट, ऐसा बेड होना चाहिए। दूसरा जो पार्ट है कि अवस्था अनुरूप खाद का प्रयोग करो, जिसमें आप बोलते हैं कि हम लूटे जा रहे हैं। लूटे क्यों जा रहे हैं कि हमारे पास उसकी बेसिक जानकारी नहीं है, बेसिक है ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। अवस्था अनुरूप यानी केले में 7 प्रकार की अवस्थाएं आती है। पहला जो अवस्था है उसकी लगाने से 20 दिन पहले जो होते हैं उसको बोलते हैं कि जेनेटिकल इंप्रेशन पीरियड, यानी वो गोत्र का विकास करता है, यानी जिन जैसे वो टिश्यू कल्चर में हम जो मीडिया डालते हैं उसमें 2 प्रकार के मीडिया डालते हैं, एक मीडिया होता है ग्रोथ के लिए और एक जो मीडिया होता है जर्मिनेशन के लिए। ये दोनों प्रकार के मीडिया में हम और कुछ चीज़ें डालते हैं कि जिससे कि ग्रैंडाइन की वैरायटी अगर हम कहीं दूसरे दुनिया से ला के यहाँ पे डेवलप की है और कर रहे हैं लगातार, तो वो जेनेटिकली सस्टेन रहे, यहाँ उसके जेनेटिकल स्ट्रक्चर को कोई ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस ना हो, तो उसकी जो उपज है वो प्योरली हमें जैसी चाहिए वैसी, उसकी साइज, उसका वेट और ये सब चीज़ें अपने आप जगह पे आ सकती है। तो पहला 20 दिन जो है कोई भी फसल हम जब बार बार दावा करते हैं कि बार बार बताते, रिक्वेस्ट करते किसानों को, कोई भी फसल हम जब लगाते हैं तो आज बेसिकली देखा जाए तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में हमारा सबसे बड़ा गड़बड़ हो जाता है। क्यों न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में गड़बड़ हो जाता है, जो भी जैसे रिकमेंडेड डोज है वो डालने के बावजूद भी हमें उचित उत्पादन नहीं मिलता है, ये फैक्ट है। ये क्यों है, लेकिन रिकमेंडेशन के साथ साथ वो कौन से समय में कौन सा न्यूट्रिएंट्स कितना चाहिए और कैसे अप्लाई करना चाहिए, ये बेसिक नॉलेज हमारे पास नहीं है या हमारे पास आती भी नहीं, पहुंचती भी नहीं।
इसके अगर थोड़े 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 चीजें हम सीखे तो और आसानी, इतनी आसानी होती कि केला जैसा कोई आसान नहीं। तो केले में पहले 20 दिन जो है वो जेनेटिकल इंप्रेशन पीरियड है, यानी गोत्र के विकास का पीरियड है। तो ये पहले 20 दिन में केला करता क्या है, अपने गोत्र का विकास यानी डीएनए का स्ट्रक्चर पूरी तरह से सस्टेन करता है, यानी डेवलप करता है। तो इस 20 दिन में आपको करना क्या है, इस 20 दिन में भले एक एक केजी, कितना, एक एक केजी एन एन से लेके सेलेनियम तक जो 16 एलिमेंट्स चाहिए हमें, वो 16 एलिमेंट एक केजी, ज्यादा नहीं, एक केजी 16-1700 रुपए का खर्चा आता है, वो सारे केजी लेके छोटा पौधा है उसको एक एक ड्रेंचिंग डालो। ये ड्रेंचिंग डालने से होता क्या है, कोई भी पौधा पहले जड़ों का विकास करता है और जड़ों से अपने सॉइल से हर एलिमेंट से हर एनवायरमेंट को जज करके सॉइल के हर बेसिक पार्ट को, यानी नाइट्रोजन है, फॉस्फेट है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, जो हर एलिमेंट्स है, इस हर एलिमेंट्स का सेंस, हर एलिमेंट का जो सेंस है वो कहाँ भेजता है, अपने डीएनए स्ट्रक्चर में भेजता है। और ये पहले 20 दिन का दायरा है, आप ट्राई करके देखो। हमने बेड टू बेड बनाए, किसानों के खेत में ही बनवाए, तो एक बेड पे किया और एक बेड पे नहीं किया, तो आखिर तक उसकी कुछ नहीं, एक किलो, इस एक किलो ने जादू क्या की, जिसमें नहीं किया उसकी उपज 18-19 किलो में लटक गई, जिसमें किया वो 26-27 में गया, दूसरा कुछ नहीं साल भर किया, बस उतना ही किया। आप भी करके देखिए, करना वही है कि पहले 20 दिन उसको समझाना है कि मेरे खेती में सारे एलिमेंट है और आपका जेनेटिकल स्ट्रक्चर हायर ग्रोथ के लिए तैयार करो। ये पहले 20 दिन में वही एक एक केजी का ड्रेंचिंग, बाकी कुछ नहीं करना। इससे होता क्या है, पौधों में ग्रोथ नहीं दिखती है लेकिन वो अंदर के जेनेटिकल स्ट्रक्चर को सस्टेन करता है और डीएनए से क्या करता है, आरएनए बनाता है। एक दफा आरएनए बने उसके बाद आप जो चेंज करने जाएंगे तो वो चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि उसको डीएनए से जो मिला है कि इनके खेत में फॉस्फेट है तो है, नहीं है ऐसा मिला, बाद में आपने बोरी बोरी भी फॉस्फेट डाल दिया तो उसके आरएनए में वो है नहीं, तो उसको तो फॉस्फेट मांगना ही नहीं है। वो क्या करेगा, अपने बाकी बॉडी में जो एलिमेंट है उसको रिप्लेस करके फॉस्फेट को पैदा करेगा, यानी अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने का प्रयास करेगा। फिर उसकी जब दूसरी अवस्था जब तक नहीं आती है तब तक इसके जेनेटिकल स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं आते हैं, एनवायरमेंटल बड़ा चेंजेस नहीं होता है तब तक उसके जेनेटिकल स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होता है, तब तक ये उस एलिमेंट को सस्पेक्ट रखता है जो एलिमेंट उसको सॉइल के पहले कुछ दिनों में नहीं मिला है। ये काफी बेसिक चीज है लेकिन ये जरूरी है। यहां पे हम क्या करते हैं, बोरी बोरी से खाद डालते हैं, नहीं चाहिए वो ज्यादा होता है, चाहिए वो कम होता है। और सर डॉक्टर साहब होता क्या है, काफी किसानों में एक गड़बड़ है कि जैसे पौधा लगाया वो एकाध बोरी यूरिया लगा ही देगा। अभी शुरू के स्टेज में आप यूरिया लगाए, एजी ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स मिल गया, सरलता से मिलता है, जैसे ही मिला उसने सारी जेनेटिकल स्ट्रक्चर से लेके बाकी के सारे काम छोड़ दिए और वो ग्रोथ में चला गया। अभी वो अधूरा रह गया, जो चाहिए था, जो डेवलप होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जो अधूरा था उसको वो आगे लेके गया। इसीलिए ये चीज़ जो लूटे जाते हैं हम बोलते हैं, उसमें ये चीज़ अगर पता हो तो मुझे दुकानदार को पूछने की आवश्यकता नहीं, तो दुकानदार क्या बोलेगा, ये ग्रोथ हार्मोन्स डालो, फिर ह्यूमिक एसिड डालो, फुल्विक एसिड डालो, फिर बोलेगा कि जड़ों का विकास के लिए दवाई डालो, क्योंकि वो हमें बेसिक पता नहीं। ऐसे ही दूसरी अवस्था आती है 18 दिन से, सर ज्यादा हो रहा है, 18 दिन से पौधा जब 18 दिन का होता है वहां से 47 डेज, 47 दिन, ये जो अवस्था होती है इसकी जड़ों की विकास की अवस्था है। इनमें दो प्रकार की जड़ें ये पूरी तरह से मैक्सिमम ग्रो करके खत्म करता है। कभी भी देखो बनाना की ग्रोथ 47 डेज से पहले उसकी ग्रोथ लगातार धमाधम नहीं शुरू होती है, उसके पत्ते का साइज भी लगातार बढ़ता नहीं है। 47 डेज तक वो स्ट्रगल करके पौधा एक दो पत्ता निकालेगा लेकिन उतने ही साइज का निकालेगा जो लैब से आया उससे थोड़ा सा बड़ा, नहीं तो ज्यादा चेंज नहीं करेगा, क्योंकि उस समय में पौधा जो है वो करता क्या है, अपने जड़ों का विकास करता है और ये जड़ों का विकास करने की वजह से वो पौधा उस समय में आपको फिजिकल ग्रोथ नहीं दिखाएगा। और हमारी आदत क्या है, हमें फिजिकल आदत ग्रोथ दिखी, अगर हमें फिजिकल ग्रोथ दिखी तो हम सेटिस्फाई होते हैं, फिजिकल ग्रोथ नहीं दिखी तो हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है तो फिर हम दुकानदार के पास भागते हैं, फिर हम बोलते हैं, फिर वो दवा स्प्रे देगा, फिर वो कुछ खाद देगा, फिर एक ड्रेंचिंग देगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमें उसकी आदत, वो अवस्था ही पता नहीं थी कि उस वक्त में वो ग्रो करता क्या है, तो जड़ों का विकास करता है। आप देखिए
एक प्रेशर वाली पाइप लेके एंड कैप पे या थोड़ा सा हल्की मिट्टी हटा हटा के दिखाइए, देखिए कि 18 दिन के बाद जो बनाना है उसकी जो जड़े है इतनी धमाधार भागेगी कि पूरे बेड में आपको इतनी बड़ी बड़ी जड़े दिखेगी कि आप हर दिन देखेंगे तो एक दो इंच से आगे भागती 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 दिखेगी। कहा तक 47 दिन तक वो जो बेसिक दायरा है वो पूरा कर लेती है। वो होने के बाद आप सरप्राइजिंग चमक जाओगे कि 50 दिन में जो पौधा है इतनी जोरों से ग्रो करना चालू करेगा, फिर आपको लगेगा कि मैंने डाली हुई सारी चीजें वो काम कर रहा है, फिर आपको लगेगा कि ये जो दुकानदार है उसने जो स्प्रे दिया वो सही चल रहा है, ड्रेंचिंग दिया वो सही चल रहा है। तो इसमें हमें 18 दिन से 47 दिन ये समझना है कि हमें उसके जो जड़े है उसके विकास के लिए काम करना है। तो उसके विकास के लिए काम करना है तो वहां पे हमें लीडिंग में फॉस्फेट देना है। लीडिंग में अगर हम वहां फॉस्फेट दे तो वो पौधा अपने जड़ों का पूरा विकास कर लेगा, और जड़ों का अगर एक दफा पूरा विकास करेगा तो फिर अगले पूरे साल उसको आपको बाकी वाले जो एलिमेंट है जितने और जैसे भी आप देंगे तो उतने और वैसे जो एलिमेंट है इसका जो चयन है अपने खेतों में बराबर और पूरी तरह से वो बार बार चॉकिंग 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 में नहीं जाएगा, पूरे साल वो दबा के काम करता रहेगा। इसलिए 47 डेज तक हमें जड़ों के विकास पे ही काम करना है। इसके जड़ों के विकास पे अगर हम काम करें 47 डेज तक तो हमारी पूरे साल तक की जड़ों का जो प्रॉब्लम आने की समस्या है वो कम हो जाती है। इसी 47 डेज में अगर आपका पौधा 12-15 फुट भी हाइट में चला जाए तो भी गिरेगा नहीं। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि जो 9 से 11 फुट दूर जाने वाली जड़ें थी वो भी पूरी हो जाती है। और इसको चाहिए क्या? तो फॉस्फेट लीड में चाहिए। तो हमें ये न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में समझना है कि 18 दिन से 47 दिन तक हमें उसको बेसिक जो न्यूट्रिएंट्स है उसमें फॉस्फेट लीड में देना है। उसके बाद 47 डेज से 65 या 60 से 65 डेज तक ये जो 15 से 17 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 22 दिन का एक दौर आता है, ज़्यादा हो रहा है तो रुकना ठीक चल रहा है। ये 22 दिन का जो दौर आता है 17 से 22 दिन का जो दौर, ये 17 से 22 दिन के दौर में बनाना में पौधे में होता क्या है? तो बनाना पौधे में 17 से 22 दिन के दौर में बनाना करता क्या है? तो ट्यूबरिक ग्रोथ करता है, कंद का विकास करता है। तो कंद का विकास इसी वक्त में क्यों करता है? क्योंकि इसी वक्त में उसकी ओरिजिनल ग्रोथ शुरू होती है, यानी उसका ग्रो करना यानी बढ़ोतरी होना शुरू होती है। और इसमें अगर उसकी सर्कलें अगर जो है नेचुरल बनी हुई सर्कलें है उसमें अगर हम ये 15-17 दिन में थोड़ा बहुत काम करें सपोर्ट करें तो उसकी सर्कलें और बढ़ती है। और वो अगर जितनी सर्कलें बढ़ेगी उतने पत्ते ज़्यादा आते हैं, और जितने पत्ते ज़्यादा आएंगे उतने हैंड्स ज़्यादा आएंगे यानी पंजे ज़्यादा आएंगे, जितने पंजे ज़्यादा होंगे उतना हमारा प्रोडक्शन सस्टेन होता है, हायर क्वांटिटी में हम चले जाते हैं। तो ये 17 दिन ही जो है केले में ये इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त काम करते हैं कि वो क्या करते हैं कि अंदर की जो ट्यूबर है इसके सर्कलें बढ़ा देते हैं, और हर एक सर्कल यानी एक पत्ता है। तो ये सर्कलें जितनी ज़्यादा बढ़ती है उतने ज़्यादा उसके क्या बढ़ते हैं? पत्ते बढ़ते हैं। और जितने ज़्यादा पत्ते बढ़ते हैं उतने ज़्यादा आपको क्या मिलते हैं? हर दो पत्ते पे एक आपको हैंड्स मिलता है यानी पंजा मिलता है। दो पत्ते के पीछे एक हैंड्स। आप चाहो कितने पत्ते निकालने हैं तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? तो ठंडी में लगाए हुआ केले में 32 पत्ते आ सकते हैं, बारिश में लगाए हुए पत्ते में 28 से 30 पत्ते आते हैं, कम से कम 28, ज़्यादा से ज़्यादा 30 आते हैं। और जो गर्मी में केला हम लगाते हैं उसमें 22 से 23 पत्ते आते हैं। तो ये इसकी बनावट है, क्योंकि एनवायरनमेंट जिस तरह से रहता है इस एनवायरनमेंट से ग्रोथ कैसी होती है, और ग्रोथ किस जैसी होती है वैसे उसकी उम्र कम 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 होती है। गर्मी में अगर केला लगा है तो वो बारिश के केले से 1.5 महीना पहले कटेगा, और ठंडी के केले से 2.5-3 महीने पहले कटेगा। और ठंडी में केला लगा है तो वो बारिश के केले से 1.5-2 महीने लेट कटेगा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि एनवायरनमेंट पहली अवस्था में जिस तरह का एनवायरनमेंट आता है उस तरह के एनवायरनमेंट की वजह से वो उतने अपनी उम्र क्या करता है? आगे 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 ढकेलता है। ठीक है, आगे बढ़े तो उसके बाद 60 डेज के बाद 120, 140, 160 गर्मी का केला, बारिश का केला या ठंडी का केला, यानी लगभग गिना जाए तो 3.5 महीने की एक बड़ी उम्र आती है, एक अवस्था आती है। ये अवस्था को बोलते हैं कि यंग ग्रोथ स्टेज, तारुण्य अवस्था यानी किशोर अवस्था बढ़ने वाली केले की। इस अवस्था में वो नाइट्रोजन ज़्यादा मांगता है, फॉस्फेट उससे थोड़ा कम मांगता है, पोटेशियम
उससे कम मांगता है और कैल्शियम चौथे नंबर पे मांगता है। इस तरह के रेशो से अगर डोज बनाए जाए और उसको अप्लाई किया जाए तो हम उसको उस अवस्था में पूरी ग्रोथ दे सकते हैं। ये अवस्था करती क्या है, अभी यहां पे गड़बड़ क्या है, जो अगस्त में इस साल लगा हुआ केला है, किसी किसी कंपनी के पौधे लेट आए, तो हमारी जो किशोरी अवस्था जो है वो शुरू तो हुई सही वातावरण में लेकिन पूरी हुई नहीं, तो लटक गई जाके ठंडी में। समझ रहे ना बात, सही समझ में आ रही है कि ज्यादा हो रही है? समझ में आ रही है? तो किशोरी अवस्था यानी दो ढाई महीने के बाद का पीरियड, यानी अगस्त में लगी, अगस्त सितंबर बीत गया, अक्टूबर एक महीना उसकी ग्रोथ यंग ग्रोथ चालू हुई, अक्टूबर की एक महीने की यंग ग्रोथ शुरू हुई कि नवंबर आया, ठंडी का मौसम शुरू होने के आगाज लगे तो उसकी ग्रोथ रिटायर्ड होती गई, दिसंबर में तो ठंडी आ ही गई। तो अभी यहां पे मैं ये चीज को फोकस इसलिए कर रहा हूं, अगर आपको केला यहां लगाना है तो एक तो सितंबर में लगाओ या तो फिर जून जुलाई के बीच में खत्म करो, बीच में मत केला लगाओ, नहीं तो ये जो सबसे बड़ी अवस्था है, जो यंग ग्रोथ स्टेज है, सबसे बड़ी अवस्था होती है और ये ही उसका चेहरा मोरा बदलती है, यानी पकना है कि नहीं पकना है वो डिसाइड करती है। ये इसमें क्या क्या होता है, थड़ों का विकास होता है, बची कुची जड़ों का विकास होता है, कंद की जो सर्कल है बड़ी उसमें स्पेस बढ़ के उसमें स्टोरेज बढ़ जाता है, पत्तों का विकास होता है, हाइट आ जाती है, बर्ड का विकास होता है, अंदर बर्ड बनाने की जितना स्टोरेज चाहिए वो होता है, पोषण के लिए जो चाहिए वो भी विकास स्टोरेज उसमें होता है। तो इतनी बड़ी जो अवस्था इसमें है, ये जो इतनी बड़ी अवस्था जो है, ये अवस्था इसके बीचों बीच जो आती है, इसके बीचों बीच जो अवस्था इतनी बड़ी आती है, ये अवस्था अगर आधी अधूरी रह गई तो पहले जो जितने दिन उस अवस्था में उसने बिताए उसी अवस्था में बचने के लिए वो जो बचाया उचाया जो बनाया कुनाया जो स्टोरेज किया हुआ खाद वो ठंडी से बचने के लिए यूज करता है और वो खाली हो जाता है। और जैसे ही वो खाली हो जाता है फिर ठंडी के बाद आपके पास दिमाग में वो और एक चीज़ है कि जिसकी जिसकी ठंडी के बाद भी डिलीवरी होती है उसका केला तो काफ़ी छोटा आता है। बात सही है कि गलत है? ये क्यों है? क्योंकि आपकी आधी अधूरी अवस्था कब गई, ठंडी के पहले रही, जो अवस्था में जो कुछ बनाया ग्रोथ करके स्टोरेज किया वो ठंडी से बचने के लिए यूज किया, अभी वो नील हो गया, उसके बॉडी में कुछ स्टोरेज नहीं है, स्टोरेज नहीं है तो वो आपको बेहतरीन नुंगर दे कहाँ से, दे ही नहीं पाएगा। और यहाँ पे ठंडी जैसे आई मानो तो एक मिलीग्राम भी कोई खाद नहीं चढ़ाएगा, बराबर है ना, कोई कुछ नहीं देगा क्योंकि ठंडी में कुछ लेते ही नहीं है, ऐसा हमारा धारणा है, फैक्ट भी है सही भी है, लेकिन आप जिस तरह से जा रहे हो उस तरह से अगर सोचेंगे तो ठंडी में कुछ नहीं लेते, ये बात सही है, लेकिन हम सही ढंग से अगर सोचे तो ठंडी में काफ़ी कुछ लेते हैं, लेकिन उसको तरीके अलग है। जैसे खाद में भी दो प्रकार के खाद आते हैं, कुछ खाद पानी में डालने से पानी ठंडा होता है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन वाले खाद, जैसे यूरिया है पानी में डालो या उसकी गोली हाथ में पकड़ो तो एकदम ठंडी लगती है, क्यों लगती है, क्योंकि उसमें उसके अंदर जो प्रेजेंट अमाइड है ये अमाइड एसिड में कन्वर्ट होता है और वो एंडोथर्मिक रिएक्शन बनाता है तो ठंडा गिरेगा। कुछ खाद ऐसे है कि जो पानी में डालने से पानी गर्म हो जाता है, जैसे कैल्शियम पानी में डालेंगे तो पानी गर्म हो जाएगा, बोरॉन पानी में डालेंगे तो पानी कुनकुना बनेगा, पोटेशियम पानी में डालेंगे तो पानी कुनकुना बन जाएगा, फॉस्फेट में से कुछ फॉस्फेट ऐसे आते हैं जो अमाइन फॉस्फेट है वो पानी में डालेंगे तो पानी गर्म हो जाएगा। तो ऐसे खाद जो पानी को गर्म करते हैं तो जमीन को भी गर्म करते हैं, तो ऐसे खाद हमें बारिश सर्दी के मौसम में भी अप्लाई करने हैं। ऐसा नहीं है कि पौधे को प्लांट को केले को सर्दी में खाना नहीं चाहिए, खाना तो उसको उधर भी चाहिए, लेकिन हमारी धारणा ऐसी है कि सर्दी में खाना फसल लेती नहीं इसलिए हम उसको देते नहीं। बात सही है ना, इसीलिए है वो कौन से खाद है कैसे देने चाहिए, कम से कम लॉस हो और ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ये बना के अगर दिया जाए तो हमने आखिर में साल में अगर जहां हम खड़े हैं अमित जी के खेत में उनको पूछिए, मेरे ख्याल से जून की लगी ना पिछले साल की, नहीं नहीं कटी हुई जुलाई की लगी हुई केली 28 फरवरी को डिलीवरी हो गई पिछले साल, यानी 28 मैं जब आया था उनकी डिलीवरी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी, मैं फरवरी में आया था, उससे पहले हमसे टेलीफोनिक जुड़े थे, समझिए। तो बारिश के ठंडी के बाद भी इनकी डिलीवरी हुई तो ना छोटा डूंगर आया ना कोई विकल्प प्रॉब्लम आया, क्योंकि हमने ठंडी में पूरे ठंडी में काम किया, उनके पास काम करने का एक फायदा कि उनके पास ड्रिप भी थी,
लेकिन जिनके पास ड्रिप नहीं है छोड़ दो, उसमें भी हमें काम करना है, हम काम कर सकते हैं और वो करना भी चाहिए। तो जाके हम, हमारा पहला विकल्प जो है, जो पहला विकल्प है हमारा, ज्यादा हो रहा है? नहीं, ज्यादा नहीं हो रहा, आप बताइए। जो पहला हमारा टारगेट है, विकल्प है या हमारा ध्येय है कि यहाँ की केली 12 महीने में कटनी ही चाहिए। जब तक आपकी केली 12 महीने नहीं कटेंगे, आप कितना भी ज्ञान बांटो, कुछ भी करो, वो केली इकोनॉमिकली वायबल नहीं रहती, क्योंकि 13वां महीना फ्री में नहीं है, वो कुछ पानी मांगेगा, मजदूर मांगेगा, खाद मांगेगा। 14वां महीना भी नहीं है, उसी महीने में अगर दूसरी फसल आए तो 2 महीने की फसल कुछ ना कुछ देती है ना। तो उसकी उम्र अगर 12 महीने है तो 12 महीने में अगर केली कटेगी तो हम उसको इज्जत से यहाँ से उल्टा राजस्थान भी भेज सकते हैं, यहाँ से उल्टा मध्य प्रदेश तक भेज सकते हैं, जब गैप पीरियड है। तो हमें प्रयास करना है 12 महीने में। उसके बाद आती है प्रेगनेंसी पीरियड। प्रेगनेंसी 140 160 से लेकर 210 दिन तक रहती है। उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद आती है डिलीवरी। प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के लिए कुछ डिमांड अलग है अनाज की। डिलीवरी के बाद होता है प्री मैच्योरिटी और प्री मैच्योरिटी के बाद आती है मैच्योरिटी। ये जो समय 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 से जो आने वाली अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाओं को हम अगर देखें और इसके सामने अगर हम अपना ज्ञान, अपने पास ज्ञान रखे, तो हमें कौन, क्यों, कोई भी दुकानदार है बेचारा क्यों चीट करेगा, बताइए मुझे। आपको पता है कि मुझे प्रेगनेंसी आ गई है, प्रेगनेंसी आ गई है तो मुझे फॉस्फेट लीड पे देना है, पोटेशियम 2 नंबर पे देना है, नाइट्रोजन मुझे ना के बराबर देना है, कैल्शियम 3 नंबर पे, नाइट्रोजन मुझे 4 नंबर पे देना है। तो दुकानदार की, मुझे ही पता है तो दुकानदार क्यों फंसाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बात जो है, तीसरी बात कि टिश्यू के अलावा केला ना लगाए। अभी सब लोग टिश्यू लगा रहे। इसके बाद जैसे 3 बातें अभी क्लियर हुई, 4 बातें हुई, 1 दूरी हुई, बेड के अलावा केला लगाना हुआ, 3रा अवस्था के अनुरूप खाद देना हुआ, 4थी बात हुई कि टिश्यू से लगाओ, टिश्यू में अच्छे और बेहतर टिश्यू कैसे चॉइस करने वो करिए। अभी टिश्यू से केला लगाते समय और एक बात ध्यान रखना है कि जैसे ही टिश्यू के पौधे आपके पास आते हैं तो उसको मिनिमम 6 दिन आपको आपके घर के अगल बगल में, खेत के अगल बगल में छाव में रखना है। गर्मी का सीजन में, बारिश और इसके मौसम में खुले में, जैसे ये मंडप डाला है ऐसे नायलॉन की जो साड़ी आती है, नायलॉन की साड़ी आती है उसके साड़ी के, यानी पतला कपड़ा लेके उसका मंडप बनाइए, 7 फीट ऊंचा वाला, 1-4 काटी बाम्बू लगा के और उसके नीचे उसको रख दीजिए। और वो किस लिए रखना है कि वो पौधे जो है, ये पौधे जब हमारे पास आते हैं तो वो हमारे एनवायरनमेंट में सस्टेन नहीं होते। वो सस्टेन नहीं होते तो जब जैसे आए वो दूसरे दिन तुरंत लगा दिए तो रीप्लांटेशन जब लगाते हैं तो उसके लिए जमीन नहीं है, मौसम नया है, और ये लगाने की जो सबसे बड़ा धक्का है यानी ट्रेस है, तो इसकी वजह से काफ़ी सारे पौधे मर जाते हैं, काफ़ी सारी मोर्टैलिटी आ जाती है। ये कम से कम रहे, एक साथ चले और नुकसान कम हो, तो करना क्या है, 6 दिन उसको रखो और 13-40-13 जैसी जो खाद है, ये खाद 50 लीटर पानी में 100 ग्राम डाल के उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर 50 ml डाल के इस 100 लीटर में उसका ही पानी देते, धोते रहो, उसका ही पानी धोते रहो। उसका पानी अगर धोते हैं तो वो पौधा क्या करता है, रेडीफीड भी मिल गया और इस वातावरण से मिलते जुलते खुद के जेनेटिकल स्ट्रक्चर को बनाना शुरू करता है। और 5-6 दिन के बाद उसके ऊपर का तनाव पूरी तरह से ले जाके उसके जो पत्ते हैं वो लाइट ग्रीन होना चालू हो जाते हैं। जैसे ही लाइट ग्रीन हो जाते हैं आप उसको रिप्लांटेशन करने के लिए तैयारी कर सकते हो, उसको रिप्लांटेशन कर सकते हो। केले में अगर हमें, केले में अगर हमें 12 महीने में केला काटना है तो और क्या करना चाहिए। तो केले में अगर 12 महीने में मुझे केला काटना है तो और एक बात करनी है कि मुझे पेड़ी जो है वो कटिंग के बाद रखनी है। कब रखनी है? केला कटिंग पूरा 100% हो जाए उसके बाद एक बार सारी पेड़ी जो आए हुए जो पीले है यानी उसके जो टिलर है उसको काट दिया जाए और उसके बाद 1-10 दिन के बाद उसका उसमें से उसके जो मेन थर्ड है, कंद है, इससे 6 इंच के बाहर जो आया हुआ है, कहा 6 इंच दूर से जो आया हुआ है वही रखना है, उसको बोलते हैं डॉटर। और वही होता है सबसे बेहतर प्रोडक्शन देने वाली पेड़ी। हम जो कर रहे हैं वो रख रहे हैं सिस्टर, और सिस्टर की प्रोडक्टिविटी
कभी भी मदर से कम ही होती है, वो ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि मदर की जो बहन है सिस्टर वो कंध के विस्तार में ही आती है, 4 इंच के दायरे में ही आती है, और उन सभी का जो कंध है, जो मदर और डॉटर, इसका अंतर समझ में आइए। जब हम पौधा लाते हैं तो 7 आंखों वाला पौधा आता है, मिनिमम 7, इसलिए 7 आपको आपके टिलर आते हैं, कंध आते हैं, 7 आते हैं। ये जो 7 पौधे के साथ जो 7 टिलर आए पहले 45-47 दिन में आए थे, वो उसको बोलते सिस्टर, यानी मदर के साथ की उसकी बहन है। वो लैब में ओपन क्यों नहीं हुई, लैब में पौधा क्यों नहीं बना, उसके लिए खाद जो है, हम बोतल में एक ही पौधे जितना खाद डालते हैं, इसलिए उसमें सिर्फ डोमिनेटिव जो होती है टिश्यू, वही डोमिनेटिव टिश्यू वो बढ़ जाती है, बाकी जो सब डोमिनेटिव होती है वो बढ़ती नहीं। और जब वो खाद आपके खेत में आने के बाद 40-45 जड़ों का विकास होने के बाद, जैसे ही पौधा ग्रोथ के लिए चालू करता है, पहले पीले ही बढ़ते हैं। पीला कभी भी 15-20 दिन में नहीं बढ़ेगा, वो 40-45 दिन के बाद ही बढ़ना शुरू होगा। क्यों होगा? जड़ों का विकास होने के बाद। और तभी जो आते हैं उसको बोलते हैं सिस्टर, क्योंकि वो पहले ही पीढ़ी का है, जो टिश्यू थी उसी पीढ़ी का है, और उसमें से जो मदर थी उस मदर के ऊपर आपने इतने साल भर प्रयोग किए हैं, खाद दिया है, कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, प्रोडक्शन लिया है, तो उसका एक जेनेटिकल टारगेट बन जाता है कि मैं 40 किलो ही नुंगर दे सकती हूँ, मदर बनाती है। तो 40 किलो में से आपने अगर 20-25 किलो मदर का ले लिया, तो अभी बचा कितना टारगेट, उसमें से 20 या 25 या 15, तो आपकी पेढ़ी 15 ही देगी, वो कभी भी 30 नहीं देगी। लेकिन फिजियोलॉजिक साइंस क्या बोलता है, साइंस ये बोलता है कि अगर मदर जो पहली आपकी जो बुआरा, बुआरा ही बोलते ना, नहीं नहीं बुआरा, पहली वाली को क्या बोलते हैं, बुआरी, बुआरी आपकी अगर 25 किलो हुई, तो उस हिसाब से फिजियोलॉजी के हिसाब से जो F1 है या आपकी पेढ़ी है वो 40-35-40 किलो की होनी ही चाहिए, बढ़ के ही आनी चाहिए। क्यों बढ़ के आनी चाहिए? क्योंकि उसके पास एनवायरनमेंट रेडी है, जड़ों का विकास डबल है, कंध में खाना सा पड़ा हुआ है स्टोरेज में, और उसकी उम्र में भी वो 2 महीने आगे बढ़ी है, तो उसके कंध का विकास तो ऑलरेडी हो चुका है, जड़ों का विकास तो आज ऑलरेडी हो चुका है, तो उसको 4 ही अवस्था लांगनी है, जो मदर को 7 अवस्था लांगनी पड़ती है, उसमें से 4 ही अवस्था बचती है, फिर भी हमारी पेढ़ी क्या होती है, कम निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि उसका रखने का तरीका हमारे पास सही नहीं है। इसलिए हम अगर सर अगर हम पेढ़ी नहीं रखे तो हमारा केला 1.25 महीने पहले कटता है, और 3 से 7 kg वजन बढ़ के भी आता है। अभी 2 फायदे हैं, पेढ़ी हमने नहीं रखी, आखिर में रखी तो हमारा 4 से 7 किलो वजन बढ़ा, पहला फायदा हुआ। 4-7 किलो छोटी बात नहीं है, 1000 पौधों पे 3 टन हो गया, 30 क्विंटल हो गया, साल का आधा खर्चा निकल जाता है। दूसरी बात हुई, यहाँ पे तो सिर्फ फ्लावरिंग के समय ही रख लेते हैं पेढ़ी। हाँ, पता नहीं है, प्रैक्टिकल उसकी पूरी जानकारी नहीं है। और दूसरा बेसिक फायदा अगर देखा जाए तो ये पेढ़ी अगर हमने नहीं रखी तो एक तो हमारा समय बच गया, दूसरी बात वजन भी बढ़ गया, तीसरी बात है हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? कि जो बगल से आती है 6 इंच बाहर से, उसका और मदर का कंध दोनों अलग है। क्यों है? आप अपने खेत में अभी जब जाएंगे तो आप जमीन से मिट्टी हटा हटा के देखिए, जो नजदीक आए उसका कंध एक है, ट्यूबर एक है, और जो दूर से आते हैं उसका कंध अलग है, उसके बीच में ज्वाइंट एक जड़ होती है। क्या होता है? जड़, दूर जड़ जाती है और जड़ पे एक गांठ बनती है, और वहां से फिर केला शुरू हो जाता है, तो उसका DNA स्ट्रक्चर नया हो गया, फिर वो वापिस 40 किलो दे सकता है। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन हम छोड़ते ही गलत है, उसके वजह से पेढ़ी जो है आपकी ना सही ढंग का प्रोडक्शन दे पा रही है, ना व्यापारी आपको पेढ़ी को सही ढंग से काट रहे हैं। पेढ़ी बोलते हैं तो वो मार्केट के भाव से भी सस्ता मांगेंगे, पेढ़ी बोलते हैं तो वो काटने में भी आपकी मस्ती करेंगे। बात सही कि गलत है? ये क्यों है? क्योंकि हमारी जो पेढ़ी है वो हमने रखी नहीं है। तो 5वीं बात हमें समझ में आनी चाहिए, 12 महीने में अगर केला काटना है, प्रोडक्शन अच्छा लेना है, तो पेढ़ी जो है, जो हमारी पेढ़ी है, ये पेढ़ी हमें रखने का समय डिसाइड करना है। वो रखने का समय है कि आपने आफ्टर कटिंग ही उसको रखना है। अभी आपके दिमाग में ये हो आया होगा, बाद में रखेंगे तो वो ठंडी में आ जाएगी। नहीं, पहले ही अर्ली नहीं हो जाएगा सर?
बाद में रखेंगे तो ठंडी में लटक जाएगी जाके, अभी तो बाकी वाले की तो ऑलरेडी बढ़ चुकी है पीढ़ी, मेरी तो पीछे रह जाएगी और फिर समझ बर्बाद ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, अगर हमने पेड़ी नहीं रखी ना तो वो केला ऑलरेडी अगस्त सितंबर जुलाई अगस्त में ही कट जाता है, डेढ़ महीने तो पहले ही कट जाएगा। अगर वो डेढ़ महीने पहले कट गया तो उसके बाद अगर पेड़ी रखी तो आज लोगों की जितनी पेड़ी केले के अंदर रखी हुई है उसके साथ ही एक साथ आती है, जीरो हो जाता है टाइम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अपना प्रोडक्शन बढ़ गया, पहले मदर का भी प्रोडक्शन बढ़ गया, दोनों प्रोडक्शन बढ़ गए, खाली तरीका बदला। सभी किसानों को बिना भूले फ्रूट केयर करना ही है। तो फ्रूट केयर क्या होता है, फ्रूट केयर क्या होता है और किसको फ्रूट केयर बोलते हैं? तो जो फ्रूट केयर प्रोग्राम है, ये जो फ्रूट केयर प्रोग्राम है, ये फ्रूट केयर प्रोग्राम दो चीजों का होता है। एक है पेस्ट से कंट्रोल, जैसे आपने बोला कि उसमें बीटल आ गए, सकिंग पेस्ट आ गए, च्विंग पेस्ट आ गए, कोई फंगस आ गई, इनसे सुरक्षा करना, यानी काले डब्बे आते हैं, लाल डब्बे आते हैं, इनसे सुरक्षा करना। और दूसरा स्वार्थ ऐसा है कि हमारे केले के थड के कंद के बॉडी के अंदर जो बचा कुचा खाद है, स्टोरेज बचा कुचा कुछ है, उसको स्विच करके कहाँ पे लाना है, फ्रूट में लाना है। तो फ्रूट में लाएंगे तो फ्रूट की लंबाई बढ़ जाती है, काफ़ी सुंदर लंबाई केला होता है, और साथ ही साथ लंबा केला ही वजन भी देता है क्योंकि स्टोरेज स्टोर होने के लिए उसको जगह मिलती है, तो फाइबर कम हो जाता है और उसमें फ्रुक्टोज और सुक्रोज बढ़ जाता है, तो केला डेंस हो जाता है और वजन भी अच्छा आता है। तो अगर हम चार बंच स्प्रे, कितना पानी चाहिए, 100 लीटर, कोई ऐसा नहीं है कि 500 लीटर पानी चाहिए, 100 लीटर पानी लगता है। ये 100 लीटर पानी के ऐसे चार स्प्रे अगर करें तो ना बीटल आता है, ना फंगस आती है, ना केले में कोई प्रकार का कीड़ा लगे, लेकिन फायदा ये होगा लंबाई इतनी आएगी कि व्यापारी आपके खेत से बाहर नहीं आएगा, चमक इतनी दिखेगी कि व्यापारी जो भाव आप बार्गेनिंग करना चाहते हैं वो बार्गेनिंग कैपेसिटी आपके बढ़ाएगा, और क्वालिटी के दौर में आप नंबर में चले आओगे, प्रीमियम क्वालिटी में आओगे। ये करने के लिए आपको वो बीटल आए ना आए उसको भूल जाओ, खाली चार स्प्रे बिना भूले करने हैं। वो कब करने हैं, जब वियान होता है, डिलीवरी होती है, डिलीवरी जैसे बेंडिंग स्टेज में नीम ऑयल का स्प्रे करो, खुलने से पहले नीम ऑयल डालो, नीम ऑयल डालने से उसके स्मेल से अगल बगल के खेतों से जो आने वाले खिंचाव करके जो बीटल है, च्यूइंग सकिंग पेस्ट है, वो आएंगे तो रिपेलेंट होके निकल जाएंगे उसके स्मेल से, वो 15 दिन का प्रोटेक्शन मिलता है। कई कई खेतों में कॉलोराट के साथ साथ जो डाईबैक है, टॉप एंड है, ऐसे बैक्टीरियल और फंगल विल्ट्स दिखते हैं। इसका रीज़न शुरू होता है शुरू के पहले 20 दिन, और इस 20 दिन से शुरुआत इसीलिए होती है कि जब पौधे लगा रहे होते हैं हम, तब लगाते समय ट्रे से जब पौधा निकालते हैं तो निकालने के लिए मजदूर क्या करता है, उसको जोर लगाता है उसके ऊपर, जितना तकलीफ वाला होगा उतना ज़्यादा जोर लगता है, और ज़्यादा जोर लगते लगते उसका जो स्टेम है वो स्क्रब हो जाता है, अंदर के अंदर मुड़ जाता है, यानी अंदर की वेंस टूट जाती है जब हम धक्का ऐसे खींचते हैं, और ये कॉमन है, इसलिए कंपनी रिकमेंड करती है कि खींचो मत, नीचे से दबाओ, उसका जो प्लग है उसको नीचे से ऐसे दबाओ तो अपने आप बाहर आ जाए। मजदूर ये नहीं कर पाते, मजदूर तो अपने उनके मस्ती भागना है तो वो खींचते ही है, और इसके बदौलत वहाँ पे जो इंजरी हुई वो इंजरी शुरुआती स्टेज में ज़्यादा तकलीफ नहीं देती, लेकिन जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है बड़ा होता है बड़ा होता है, और बड़े होने के बाद जब वो पौधा 2-3 महीने के बाद सरप्राइजिंग जब ठंडी आए, और ठंडी में अगर उसकी जो बॉडी की स्टोरेज कम हो जाए तो उसकी लड़ने की ताकत कम हो जाती है, एंटीबॉडीज़ कम हो जाती है, और जैसे एंटीबॉडीज़ कम हो जाती है ये जो फंगस पहले बार बनी हुई थी वो खुल जाती है, और जैसे खुल के वो पूरे कॉलर टू कॉलर सड़ा देती है, तो उसको सितंबर महीने में बहुत ज्यादा है जो है ज्यादा दिखती है। हाँ, हमारे 100-150 पेड़ चले गए तो उसमें करेक्ट हो जाता है, ज्यादा होता है। हाँ, ये क्यों हुआ, अभी जो अगर सितंबर के बाद सितंबर अक्टूबर में क्यों होता है, क्योंकि बारिश में बॉडी में स्टोरेज बन रहा था, वातावरण अच्छा था, ज्यादा कुछ गड़बड़ नहीं थी। जब गर्मी आई बारिश के बाद, जब गर्मी आई तो जमीन का टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है तो कम से कम 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे जमीन का टेम्परेचर बढ़ा तो बैक्टीरिया यानी फंगस की ग्रोथ शुरू हुई। उससे पहले टेम्परेचर बॉडी का जमीन का क्या था, कम था तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, जैसे ही वो बढ़ा वो अभी दिखना चालू होगा, अभी दिखता भी होगा किसी किसी किसानों के पास। ये ना हो इसलिए करना क्या है कि 20 दिन की उम्र का जब पौधा हुआ तो उसमें 1-2 kg ब्लीचिंग का ट्रीटमेंट करिए। सिंपल सादी चीज़ है, 2 kg ब्लीचिंग पाउडर, 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रोजन डाइफॉस्फोनेट 0.5 लीटर, इसका एक ड्रेंचिंग 20 दिन का उम्र के पौधे में एक बार करिए, 250-300 ml पर पौधा डाल दिया तो वहाँ से उसकी जो भी इंजरी हुई है वो क्योर हो जाती है और उसके बाद वो विकल्प नहीं रहता। और दूसरी बार कब करना है, जब से ही डिलीवरी शुरू हुई
120 दिन, हाँ 120 दिन में, यानी 4 महीने की उम्र में एक बार और 1 महीने के पहले पहले 20 दिन में एक बार, ये 2 बार ब्लीचिंग की ट्रीटमेंट अगर हम करते हैं तो एक भी पौधा 4 महीने में 4 त्रिकम 12 120 दिन, तो 120 दिन 4 महीने में एक बार और 20 दिन में एक बार, 20 और 120 दिन में ये 2 बार अगर ब्लीचिंग की ट्रीटमेंट करें तो एक भी जड़ों से आने वाली जो समस्या है वो नहीं आती। तो जुलाई के पहले सितंबर लगा तो इसमें फिर करवा दें, इसका मतलब करना ही है, अभी जरूर समय आया है, तो अभी ब्लीचिंग ट्रीटमेंट करेंगे, तो ब्लीचिंग सीओसी और पोटेशियम हाइड्रोजन डाइफॉस्फोनेट, इसका सोल्यूशन 200 लीटर पानी में 500 ml पोटेशियम हाइड्रोजन डाइफॉस्फोनेट, 500 ग्राम सीओसी और उसमें आपको जो डालना है ये ब्लीचिंग वो दो कीजिए, इसका एक करेंगे तो जहां जहां जड़ों में आपके पास जो जड़ों में बेसिक दुविधा आती है वो सबसे बड़ी दुविधा है, आपके पास अगर निमेटोड आ गया तो वो भी क्योर हो जाता है, फंगल डिसीज आया वो भी क्योर हो जाते हैं, बैक्टीरियल आए वो भी डिसीज हो जाए, तो ये भी एक ख्याल आपको रखना है। अभी और एक चीज, अगर 120 दिन के बाद आप ब्लीचिंग की ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वहां पे आपको 2 लीटर पर पौधे करनी है, और जब 20 दिन का पौधा है तो 250 ml/L करनी है पर पौधा, ठीक है 2 लीटर पर पेड़ करना है, 2 और 250 2 लीटर, क्योंकि सल्फेट है ना, हाँ मिट्टी बड़ा हो जाता है, करेक्ट यार, मात्रा यही रखनी है, 200 लीटर पानी की मात्रा मैंने बताई। अभी अगर पौधा 4 महीने का हुआ है तो आप 1 से 2 लीटर पानी डालोगे तो आपको पानी 2000 लीटर लगेगा, 10 ड्रम लग जाएगा, और आप जब शुरुआती स्टेज में कर रहे हो 200 ml से तो 1000 छोड़ पे आपको 1 ही ड्रम लग जाएगा, आप समझे, ठीक है, आपने काफी बड़ा समय दिया। जी नहीं, अभी नहीं काट सकते, अभी तो आपका 4 महीना बीत गया है, अभी उसने खाना भी लिया है वो वेस्ट हो जाएगा, आप समझ रहे हो, अब ये साल निकलने दो, जैसा है उसको अच्छे से करने के लिए प्रयास करो, अगले साल से ये ध्यान रखना कि जैसे कटिंग के पहले पैडी नहीं रखनी, और कटिंग के बाद, और एक बात बिना भूले, आप केला कटिंग कर रहे हैं फिर भी जो मेन मदर है उसका नूम काटो, यानी बंच काटो, लेकिन उसके पत्ते कम से कम 2 जिंदा रखना, आप बीच से काट लेते उसको, अगर बीच से काटेंगे तो सड़ना चालू हो जाएगा, अगर उसको जिंदा रखेंगे तो उसके बॉडी में जितना भी न्यूट्रिएंट्स फ्लो बना हुआ है वो कन्वर्ट होके दूसरे को जैसा है वैसे पेड़ी को निकल जाता है, इसलिए आप एक को काट के देखो और एक को बिना काट के रखो, आपके खेत में देखो तो जिसको नहीं काटा है उसका पत्ता और गैप वो बढ़ ही रहा है, और जिसको काटा है वो चक हो जाएगा, और फिर वो 1 महीने तक स्ट्रगल करेगा, इसकी जो आपने काट के जो इंजरी बनाई है उसको बड़ा करे और फिर वो ग्रो करना चालू करेगा, तो इसलिए आपके 2 पत्ते उसमें जिंदा रखना है, ये 2 चीजें करो, और अगर ये जिंदा रख के तो वो पेपर जैसा सूख जाएगा, सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, और जहां कंद है उसकी अटैचमेंट थी वहां से वो निकल के गिर जाता है, अगर आपने काटा तो सड़ता 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 जाके कंद को भी सड़ा देता है, समझ रहे हैं, तो ये चीजें बेसिकली आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ओके, फिर एक बार आपकी सभी किसान भाइयों का धन्यवाद। पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, संशोधन, गुणवत्ता, सेवा के साथ हमारा लक्ष्य समृद्ध भारत।